मुरादाबाद में 43 साल पहले ईद के दिन दंगा क्यों भड़का, इसकी रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक होने जा रही है। दंगे में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 43 साल में यूपी में अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में दंगे की जाँच रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर जरूरत हुई तो विधानसभा में रिपोर्ट पर चर्चा भी होगी। चर्चा करने की जरूरत होगी, चर्चा करेंगे और ऐसे लोगों के बारे में जनता जाने और ऐसे लोगों से सावधान रहे, इसकी जरूरत है। मुरादाबाद में मौजूद सांसद और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने दंगे में पीएसी के रोल पर सवाल उठाए हैं। एसटी हसन का कहना है कि जनता को हकीकत जानने का हक है। जनता को सही हकीकतें मालूम होनी चाहिए, ये जनता का हक भी है, लेकिन इंक्वायरी सही होनी चाहिए। ये ना हो कि इंक्वायरी जो है वो टारगेटेड हो, किसी और को बदनाम करने की साजिश हो। Z News.